राजस्थान के चर्चित साहित्यकार विजयदान देथा जी की एक पंक्ति है, पढ़ो मण भर लिखो कण भर। मण मापने की इकाई को कहते हैं। आप ऐसे जो भी दोस्त जिनका खेती किसानी से वास्ता रहा होगा या आपने कहानियां पढ़ी होंगी हिंदी अन्य भाषाओं की, आंचलिक भाषाओं की, तो आप परिचित होंगे कि जैसे बोलते हैं एक मण गेहूं, दो मण गेहूं, इस तरह से। और कण कहते हैं पार्टिकल को, बहुत छोटी सी चीज़, यानी आपका अध्ययन खूब विस्तृत हो और वो जो लिखने में जब आए तो बहुत कम आप लिखें, खूब सारा पढ़ें, क्योंकि लिखना ही तो सोचने का संपादन है और संपादन में आप बहुत सारी चीज़ों को हटाते ही हैं। नमस्ते, दीपक नाम है मेरा। आप देख रहे हैं ललन टॉप पर किताबों से जुड़ी खास पेशकश पढ़ाकू विमान, जिसमें हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, ललन टॉप के साथियों से पूछते हैं और उसको बिल्कुल करेक्ट करके आपके सामने ले आते हैं कि कौन सी किताब आप पढ़ें, ताकि ये डाउट कभी ना रहे कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमें रहता ही अक्सर कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ रहे हैं, कौन सी किताबें शुरू कर रहे हैं, मैं बहुत बुक लवर नहीं हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है। इस सब चीज़ों का जवाब इस शो में आपको मिलेगा। राजदीप सरदेसाई जी से हमने बात की है, वरिष्ठ पत्रकार है जो, इसके अलावा हमने विजय गोखले साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं उनसे बातचीत की है कि वो कौन सी किताबें हमें रिकमेंड करना चाहते हैं। उनके साथ हमने उनकी किताब क्रॉसविंड्स पर एक किताब वाला भी आयोजित किया है, आप उसको भी ज़रूर देखें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर हम आपको लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे कहा गया कि कौन सी तीन किताबें इस समय आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने तुरंत मेरे बेड के नज़दीक देखा कि डेस्क पर तीन किताबें थी और तीनों के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। पहली किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन बॉम्बे बर्न्ड, जब बॉम्बे में आग लगी थी, कब की बात, 92-93 के दंगे, बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद जो दंगे मुंबई में हुए थे और बम ब्लास्ट हुए थे, उस पर हम कुछ पत्रकार उस समय कवर कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हमने ये किताब निकाली थी। और इसकी खासियत ये है कि ये किताब आउट ऑफ स्टॉक थी, लेकिन अब जबकि राम मंदिर के बारे में बहुत बात होती है और 92-93 में क्या हुआ था, रथ यात्रा में क्या हुआ था, इन सब चीज़ों पर जब जनता में उत्सुकता एक बार फिर है, तो ये किताब अब अमेज़ॉन में मिलती है। काफ़ी महंगी हो गई है क्योंकि हार्डबैक में है, लेकिन अगर कोई जानना चाहे कि वाकई मुंबई में क्या हुआ 92-93 में, जो दंगे हुए उसके बाद बम ब्लास्ट हुए, दाऊद इब्राहिम, संजय दत्त, इनके बारे में जितनी कहानियाँ अगर आप वाकई सुनना चाहे, तो ये किताब जो है, हम जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये किताब तब लिखी थी। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि अब ये सब मामले एक बार फिर जनता के सामने आ रहे हैं कि अयोध्या का मुद्दा एक नई तस्वीर लेकर आ रहा है, तो पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते, इसी वजह से ये किताब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कुछ नोट्स ले रहा था, और इस वजह से व्हेन बॉम्बे बर्न्ड एक किताब है। नंबर दो, मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ और क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई बेहतरीन कोई लेखक है तो मैं समझता हूँ गिडियन हेग, ये ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं, उन्होंने बहुत किताबें क्रिकेट पर लिखी है और उनकी राइटिंग स्टाइल शैली बहुत ही अच्छी है। ये किताब उन्होंने एक दो साल पहले एशेस पर लिखी थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिकेट मैच होते हैं उन पर लिखी थी, और बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा इतिहास एक तरह से बताया और इतिहास के पीछे जो किरदार थे, शेन वॉन हो, डेनिस लिली हो, स्टीव वॉ हो, उन पर उन्होंने लिखी है। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मैं ये किताब इस समय पढ़ रहा हूँ। बेस्ट क्रिकेट राइटर इन द वर्ल्ड कहा जाता है आज गिडियन हेग को। तीसरी किताब, मैं बिल्कुल इस समय उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ये हार्डबैक में थी लेकिन अब पेपरबैक में आई गई है, द रिवेंज ऑफ पावर बाय मोइसेस नईम, यानी जिसके पास ताकत है उस ताकत का वो कैसे इस्तेमाल, सत्ता का कैसे इस्तेमाल या दुरुपयोग करते हैं। और ये कहा जाता है कि तीन पी है, पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन नीतियाँ या भाषण ऐसे करते हैं जैसे जनता को अपनी तरफ कैसे खींच सके, और ये भी कहते हैं ये नेता, ये जो नए नेता आए हैं ये पॉपुलिस्ट बन गए हैं और धीरे धीरे पॉपुलिस्ट होते होते वो डिक्टेटर बन जाते हैं।
कैसे वो डिक्टेट, कैसे वो सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हैं, इस पर ये किताब है। तीन पीस है, एक है पॉपुलिज्म, दूसरा है पोलराइजेशन, समाज को विभाजित करना, ये कहना ये देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, और एक तरह से अपने समुदाय को इकट्ठा करना और किसी और को दुश्मन बताना, ये उनकी दूसरी रणनीति होती है। और तीसरा कहा जाता है पोस्ट ट्रूथ या प्रोपेगेंडा कहिए, कि प्रोपेगेंडा के जरिए, और उसमें व्हाट्सएप भी शामिल है, कैसे आप एक माहौल बनाते हैं। तो ये जो रिवेंज ऑफ पावर, हाउ ऑटोक्रेट्स आर री इन्वेंटिंग पॉलिटिक्स फॉर द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में किस तरह से नेतागिरी बदल रही है, राजनीति बदल रही है, और ये जो स्ट्रॉन्ग मैन नेता या वन मैन नेता होते हैं, वो कैसी दुनिया बदल रहे हैं। और इसमें कई नाम हैं, और उनकी उन पर मैं इस समय तो आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप किताब पढ़ें। लेकिन जैसे कहा है कि एक नई राजनीति लोगों के सामने आ रही है, जिसमें लोगों को एक तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उत्तेजित भी किया जा रहा है, और इकट्ठा किया जा रहा है। और ये दुनिया भर में हम देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हो या बोल्सोनारो हो या अन्य जो ये स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स हैं, वो अपने देश, समाज और राजनीति को कैसे बदल रहे हैं। कुछ अच्छाई अच्छी दिशा में ले रहे हैं, कुछ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमारी राजनीति कैसे दुनिया भर में आजकल बदल रही है। तो ये मेरे तीन किताबें हैं, व्हेन बॉम्बे बर्नड, गिडियन हेग ऑन द एशेस, एंड मोइसेस नईम द रिवेंज ऑफ पावर। तीनों किताबें पढ़िए और मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे। नमस्कार। मैं इन दिनों दो किताबें पढ़ रहा हूँ। एक मेरे जो कॉलीग हैं अजय बिसारिया जी, उन्होंने एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं 1947 के बाद, ये किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट। इसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध समझने की आपकी इच्छा हो। और दूसरा एक नॉन फिक्शन किताब है मिसिज लक्ष्मी पुरी का, अंग्रेज़ी में किताब है, उसका नाम है स्वॉलोइंग द सन। ये किताब जब भारत की स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, तो इस उस समय का एक फिक्शनल अकाउंट है एक फैमिली के बारे में, और एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये किताब लिखी है। दोनों किताबें अभी मार्केट में आए हैं जनवरी में, और आप दोनों ज़रूर पढ़िएगा। तो जिस किताब की बात मैं आज करने जा रहा हूँ, उस किताब का नाम है द विम्पी किड मूवी डायरी। ये इसके लेखक हैं जेफ किनी। तो इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, द डायरी ऑफ अ विम्पी किड इसका एक सीरीज़ है पूरी, उस सीरीज़ में काफ़ी सारी किताबें हैं, उस पर कई सारी मूवीज़ बनी हैं। तो उसी मूवीज़ में से तीन मूवीज़ के बिहाइंड द सीन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, ये वाली द विम्पी किड मूवी डायरी। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे बिहाइंड द सीन मूवी का, BTS या फिर मूवी मेकिंग है ना, कैसा होता है उसकी वीडियोस देखते होंगे। लेकिन इस किताब में बड़े ही इलेबोरेट तरीके से उस चीज़ को बताया गया है कि कैसे एक फिल्म बनती है, प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें आप जो जेफ किनी है, उन्होंने बताया है कि कैसे जो कैरेक्टर था, जो मेन कैरेक्टर ग्रेग, तो उसका उन्होंने डूडल कैसे बनाया, डूडल से वो कैसे एक कैरेक्टर बना रिफाइन होके, और उस कैरेक्टर से वो उन्होंने कैसे उस पर कहानी लिखी, कैसे वो स्टोरी बनी उसकी, और स्टोरी से वो कैसे मूवी बनी। अब उस मूवी में फिर इन्होंने बताया कि उस कैरेक्टर की उन्होंने जो मेन कैरेक्टर था और उसके दोस्त थे या फिर जितने भी कैरेक्टर थे उन सब की कास्टिंग कैसे करी, फिर उसके बाद उन्होंने रेकी करी फिल्म की, मतलब लोकेशन की रेकी करी कि कहाँ पर उन्होंने फिल्म का शूट करना है, तो वैंकूवर में शूट करना है, कनाडा में, या फिर US में शूट करना है। उसके अलावा कैसे बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है, बच्चों के काम करने के वर्किंग आवर्स अलग होते हैं, तो बच्चों को आप मतलब जैसे 8 घंटे हम लोग काम करते हैं, 9 घंटे हम काम करते हैं, तो बच्चों के काम करने का आवर्स डिफाइंड है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको उसके साथ ही, और जो जब वो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो साथ साथ, तो टीचर्स उनके सेट पर अवेलेबल रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए, किस तरीके से फिल्म बनती है। अगर आपको फिल्म मेकिंग का जरा सा भी शौक है या आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स का बहुत आलोचक नहीं हूँ, और मुझे बेहतर लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए कुछ और नए पर्सपेक्टिव्स देख पाएँ। तो मैंने एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी इस वीक, उसका नाम है डू इट टुडे।
हम ऐसे कई लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझते हैं, जो लगता है कि बात टाल दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ना काल करेगा जो आज करो, उस तरह की बात तो बचपन से ही पिताजी और माँ सुनाते रहे। पर वो किताब मैंने पढ़ने की कोशिश की और मैंने उसको पूरी पढ़ा। मैंने डेरियस फॉरो ने इस किताब को लिखा है, पेंगुइन ने छापा है, और डेरियस फॉरो कमाल के लेखक रहे हैं, 8 किताबें अब तक लिख चुके हैं, 15,000 से ज़्यादा लोग को लगातार वो न्यूज़लेटर वगैरह भेजते हैं। तो इस किताब में प्रोक्रेस्टिनेशन पर बात हुई है कि आप चीज़ों को टालें कैसे नहीं, अगर आपको लग रहा है कि एक तरीके से मोटिवेशन वाली किताब, और आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव ऐसे मिलेंगे चीज़ों को बेहतर समझने के, कि आपको कोई काम क्यों अभी करना है, या इसके अलावा आप कैसे चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, आप कैसे अपना बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसकी ये पूरी किताब है 200 पन्नों के आसपास की। दूसरी मैं किताब जो आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रेमचंद की मानसरोवर। मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का कलेक्शन है, तो उसके 6वें खंड पर मैं आ गया हूँ और उसमें से कई कहानियाँ मैंने पढ़ी, जैसे पश्चाताप है या पाप का अग्निकुंड है, बहुत ही सुंदर कहानियाँ हैं, है ना। आप ये ज़रूर प्रेमचंद को तो कभी भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है। तो ये दो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। अगले हफ्ते से बुक फेयर भी आने वाला है, उसके लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट है, और तब और सारी खूब सारी किताबें लाई जाएंगी, तब आपको और अच्छी तरह से आपको रिकमेंड कर पाएंगे किताबों के बारे में। फिलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। राजदीप जी ने या विजय गोखले साहब ने, हमारे बाकी साथियों ने जो भी बुक्स बताई हैं उसका भी एक लिस्टिकल आपको नीचे मिल जाएगा। एक एपिसोड आपको कैसा लगा, आगे आप कौन सी किताब चाहते हैं बताइएगा। थैंक यू, अपना खूब ख्याल रखिए।